फेमस टीवी शो द कपिल शर्मा शो लंबे इंतजार के बाद टीवी स्क्रीन पर लौट आया है। शो में अक्षय कुमार और बेल बॉटम के बाकी कलाकार अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए शो में पहुंचे। इसके साथ ही हाल ही में कपिल शर्मा शो में गोविंदा भी एक बार फिर दिखाई दिए। शो के पिछले सीजन में कई एलिस्ट अभिनेता दिखाई दिए थे और नए सीजन में भी ये शो दर्शकों के बीच फेवरेट बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज अभिनेता गोविंदा द कपिल शर्मा शो की शोभा बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा अभिषेक जो लोकप्रिय शो के कलाकारों में से एक है, उनकी गोविंदा के साथ अनबन हो गई है। इससे पहले भी जब गोविंदा शो में आए थे तो कृष्णा एपिसोड में नहीं दिखे। जब इस बारे में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा कि जिन लोगों ने इनको बड़ा किया है उन्हीं के साथ बदतमीजी पर उतर गए हैं, कृष्णा अभिषेक ने उनके सामने अपने मामा गोविंदा पर एक कमेंट कर दिया था। हालांकि उन्होंने शो के दौरान दिग्गज अभिनेता के नाम का खुलकर जिक्र नहीं किया। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा कि पिछले साल नवंबर में गोविंदा ने एक बयान जारी कर कहा था कि परिवार के मुद्दों को पब्लिकली नहीं करना चाहिए। एक जेंटलमैन की तरह उन्होंने अपना ये वादा निभाया, हम एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई हैं जहां से कोई समाधान निकालने की जरूरत महसूस होती है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुनीता आगे कहती है, जब भी हम शो में आते हैं वो पब्लिसिटी के लिए मीडिया में कुछ ना कुछ कहता है, क्या फायदा है ये सब बोल के? परिवार के मामलों को मीडिया में बोलने का क्या फायदा? गोविंदा इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन ये दुखद है। उसके बगैर भी तो हमारा शो हिट होता है और ये वाला भी होगा। आपको बता दें, जब शो में फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया की पूरी कास्ट जिसमें अजय देवगन, एमी विर्क, शरद केलकर और नौरा फतेही शामिल थे, वो सब नजर आए थे। कृष्णा अभिषेक ने उनके सामने अपने मामा गोविंदा पर एक कमेंट भी किया था। हालांकि उन्होंने शो के दौरान दिग्गज अभिनेता के नाम का खुलकर जिक्र नहीं किया। कॉमेडियन ने कहा कि फिल्म बाहुबली के हिंदी रीमेक में प्रभास के किरदार के लिए शरद केलकर को डब किया गया था। जबकि कई लोगों ने पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो कृष्णा ने मजाक में कहा, मेरा सवाल था कि मामा ने भांजे को क्यों मारा। इस बीच तो कपिल शर्मा शो के दौरान वीकेंड के एपिसोड में शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र ने शो की शोभा बढ़ाई। दो दिग्गज अभिनेता पुरानी यादों के साथ दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ाने और कुछ पुरानी यादों को ताजा किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र को रोमांस का बादशाह भी बताया। उनके मस्ती भरे मजाक ने पूरी कहानी दोस्तों को दिखाई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।